मैं हर भाग के पवित्र अवसर पर माता सिद्धलक्ष्मी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। लोक भवन यात्रा और वार्षिक यज्ञ में शामिल सभी श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। लोक भवन तीर्थस्थल, पवित्र स्प्रिंग और माता के मंदिर की महिमा अत्यंत प्राचीन है। अगर इतिहास के पन्नों से देखा जाए तो ये सच है कि कश्मीर घाटी में वैदिक काल से ही यज्ञ के आयोजन की परंपरा रही है और उसमें भी अनंतनाग में जगह जगह ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ था जहां से मानवता को भातृभाव, करुणा और एकता का संदेश दिया जाता था। मैं मानता हूं कि इन धार्मिक स्थलों में लंबे समय बाद आध्यात्म और संस्कार की वही प्राचीन फुहार पुनः बहने लगी है और परमात्मा के आशीर्वाद से आस्था के ये केंद्र फिर से जीवंत हो रहे हैं। जिन बंधुओं ने इस पवित्र कार्य में अपना योगदान दिया है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय तथा अन्य धर्मों के पवित्र स्थल का संरक्षण हो, बुनियादी ढांचे में सुधार हो या फिर उससे संबंधित सांस्कृतिक गौरव को नया स्वरूप प्रदान करना हो, इन सभी लक्ष्यों के प्रति जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहता है। इस वर्ष माता खीर भवानी के मेले में भी कोशिश की गई थी, बेहतर सुविधा जुटाने का प्रयत्न किया गया था। पहले की तुलना में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। बाबा अमरनाथ की यात्रा भी यहाँ की आवाम, यहाँ के प्रशासन और बाबा के भक्तों के सहयोग से सकुशल चल रही है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 18-19 दिनों में यह आंकड़ा करीब 3.5 लाख पहुँच गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये प्रयास है कि शारदा पीठ का गौरवशाली स्थान फिर से पुनः वापस आवे, अस्तित्व के सार स्वरूप का केंद्र कहे जाने वाले इस पीठ के सभी धार्मिक स्थल का रखरखाव सही तरीके से हो ताकि हमारे संस्कारों की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। मित्रों, आप सबको स्मरण होगा पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर लद्दाख के माननीय उच्च न्यायालय ने भी कुछ धार्मिक स्थलों के संदर्भ में निर्णय दिया है। उनकी सुरक्षा संबंधित जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन जरूर देखेगा। ये अत्यंत हर्ष का विषय है और मैं आशा करता हूँ कि स्थानीय प्रशासन और समुदाय के जागरूक नागरिक मिल करके अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इन स्थानों के संरक्षण में मदद करेंगे। मित्रों, जम्मू कश्मीर भारत की सनातन संस्कृति का प्राचीन काल से ध्वजवाहक रहा है। यह आध्यात्मिक यात्रा, वार्षिक यज्ञ, पवित्रता और परम मोक्ष दोनों का प्रतीक है। मुझे स्मरण है अनंतनाग के ही रहने वाले कवि परमानंद जी ने अपनी कविताओं में परम मोक्ष, भक्ति मार्ग तथा भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति अपने कविताओं में की थी। अगर गलती हो तो क्षमा करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनकी दो पंक्तियाँ उद्धृत करने की। गोकुल हृदय भ्योन तति प्योन गुरियवान, चित्त विमर्श दीप्तिमान भगवानों। परमानंद जी ने सुदामा चरित्र, शिव लग्न जैसी रचनाओं के माध्यम से तप, आत्मसंयम के मूल्यों तथा कैवल्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। योगिनी ललेश्वरी ने
अपनी साधना के द्वारा समाज में आध्यात्मिक चेतना की ज्योत जलाई थी। कल्हर ने राज तरंगिणी में लिखा है कि इस पवित्र भूमि पर हर जगह देवताओं द्वारा अर्पित पूजा के चंदन बिंदु दिखाई पड़ते हैं। नीलमत पुराण में लिखा है कि इस धरती पर उस दौर में वैदिक मंत्रों का उद्घोष और धनुष की टंकार बराबर सुनाई पड़ती थी। इसे वही स्थान प्राप्त था जो काशी और कांची को था। इस पवित्र धरती ने सर्वधर्म संभाव का दर्शन पूरी दुनिया को दिया था और यह सभी का सामूहिक दायित्व है कि इन मूल्यों को संरक्षित रखते हुए हम सब मिलकर के सर्वधर्म संभाव की भावना का प्रचार प्रसार करें। मैं एक बार पुनः माता सिद्धलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। इस पवित्र यज्ञ में आमंत्रण के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः एक बार जिन बंधुओं ने इस आयोजन को सफल बनाने में जी तोड़ मेहनत की है उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूँ।